अभी रोके हैं ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले कि तीन एस, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये तीन आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। हर अंचल में लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000 रुपया लग रहा है। प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1,01,00,000 रुपया की वसूली हो चुकी। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का तीन कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। वोट कर रहे हैं कि तीन एस, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये तीन आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1,01,00,000 रुपया की वसूली हो चुकी। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का तीन कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके हैं ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड कहीं आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।